नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं चलते चलते आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो भी लोग हैं, या जो भी मेरे मित्र हैं, या जो भी मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं, जो भी गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, 50, 10, 20, 100, 200 दोस्तों, तो प्लीज़ गरीब लोगों की मदद के लिए भेजिए आप। ताकि दोस्तों, मैं तो कर ही रहा हूँ हेल्प, मुझसे तो जितना होता है दोस्तों मैं करता हूँ, लेकिन मुझे आज आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना दोस्तों वीडियो में कि क्या हाल है, जो हाईवे के नीचे बच्चे रहते हैं उनके क्या हाल हैं, तो आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे। उन बेचारों के पास पाने को कपड़े भी नहीं है, और कई बार तो रोटी मिलती है और नहीं मिलती। तो दोस्तों, अभी मैं जॉब पे हूँ, तो मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ही है वो लोग, लेकिन अभी वो है नहीं, अभी वो सो रहे हैं, वरना मैं आपको दिखाता हूँ उनकी वीडियो। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा पेटीएम नंबर नीचे आ रहा है, जितने भी दोस्तों आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप भेज सकते हो दोस्तों। हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि गरीब लोगों के लिए मदद करो, गरीब लोगों को खाना खिलाओ, गरीब लोगों को कपड़े दो। उन बेचारों के पैर में दोस्तों चप्पल तक नहीं है। हम होटलों में, हम घूमने फिरने में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो क्या हम किसी गरीब के लिए 50 या 100 रुपये दान भी नहीं कर सकते क्या? तो सोचो दोस्तों ये चीज़। इसी करके मैंने, और कोई तांत्रिक दोस्तों, किसी तांत्रिक ने आज तक ये बात आपको कही नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मदद के लिए आगे आए। जो भी भाई या बहन मदद करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा पेटीएम नंबर है, जितनी भी जिनकी श्रद्धा हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, उनकी मदद करें आप। और दोस्तों, जो भी धनराशि मेरे पास आएगी दोस्तों, या आप भेजो या ना भेजो दोस्तों, लेकिन मेरा काम है उन लोगों की मदद करना। अगर आप भेज दोगे दोस्तों तो उनकी ज़्यादा मदद हो जाएगी, अगर नहीं करोगे दोस्तों, मुझसे तो जितना हो रहा है दोस्तों मैं उतना कर रहा हूँ उनका। कई बार तो दोस्तों मैं खाना घर से लेके आता हूँ अपना, और मैं उन बच्चों को खिला देता हूँ खाना, और मैं भूखा रहता हूँ। मैं रात को 10 बजे ड्यूटी पे आता हूँ दोस्तों, और 10 बजे मैं अपना खाना लेके आता हूँ ताकि उन बच्चों को खिला सकूँ। तो दोस्तों सोचो आप उनकी क्या हालत है। तो दोस्तों, इसी करके मेरा यही मकसद था कि आप लोग मेरी मदद करेंगे और उन गरीब बच्चों की मदद होगी। तो दोस्तों प्लीज़ आगे आएँ। अभी मैं उनको दिखाता कि उनकी हालत क्या है, लेकिन दोस्तों अभी टाइम मॉर्निंग है और वो अभी सो रहे हैं। अभी उठेंगे, भीख मांगेंगे सड़कों पे, गाड़ियों पे। कई लोग तो दोस्तों उन्हें गाली तक देते हैं, कई लोग तो उन्हें लात तक मार के चले जाते हैं। तो ये हाल है हमारे इंडिया का। अरे यार, तुम बच्चे हैं, तुम 10-20 रुपये बच्चों को दे दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? वैसे भी तो नशे पत्तों में खर्च करते हो, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू, कोई जर्दा, कोई गुटखा, तो ये चीज़ें, और कोई दारू भी पीता है, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड वाली दारू। जो बंदा बढ़िया से बढ़िया ब्रांड वाली दारू पी सकता, तो क्या वो 100 रुपये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए दान नहीं दे सकता? क्या हमारी इंडिया की जनता इतनी खराब हो चुकी है क्या? क्या इंसानियत मर चुकी है उन सबकी? तो दोस्तों प्लीज़ आगे आए। स्क्रीन पे मेरा पेटीएम नंबर आपको हो, जितनी भी श्रद्धा हो दोस्तों आप भेज सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, जितना भी आपकी श्रद्धा हो। और दोस्तों, जो भी आगे पैसा आएगा, उस पैसे का आपको एक एक हिसाब मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ताकि आप ये ना सोचो कि मैंने पैसा ले लिया और मैं मतलब गरीबों को नहीं दे रहा। तो दोस्तों, मेरा वो काम नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो दोस्तों, मैं तंत्र लाइन से हूँ, तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, आप खुद सोचो। तो बस दोस्तों, यही कहना चाहता था। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
जो भी भाई या जो भी बहन मदद करना चाहते हैं तो प्लीज सामने आए और मदद करें, और जो भी धनराशि होगी, जो भी मैं बच्चों को आने वाली वीडियो में दूंगा या जो भी मैं उन्हें चीज़ दूंगा, तो वो आने वाली वीडियो में आपको नज़र आएगा, ताकि आपको पता लगे कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो दोस्तों, धन्यवाद।